नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मेरे सारे भाइयों को मेरी तरफ से सलाम, और उम्मीद करता हूँ आप अपनी ज़िंदगी में सब मज़े कर रहे होंगे, और हम भी अपनी लाइफ के मज़े करने आए हुए थे लास वेगस में। तो मैंने सोचा क्यों ना एक व्लॉग भी बना लिया जाए साथ साथ में। तो हम अभी दो दिन के लिए लास वेगस रहेंगे, और मैं आपको दिखाऊंगा कि लास वेगस है कैसा, यहाँ पे घूमने फिरने के लिए क्या क्या जगह है, और ताकि मेरे साथ साथ आप जो देख रहे हो आप भी मज़े ले सको। किया है और पूल पार्टी पे आए हैं, आपको दिखाऊंगा पूल पार्टी कैसी हो रही है और लोग कैसे यहाँ पे अपना फन करते हैं। भाइयों मस्ती हो रही है पूरी लाइफ की। ले भाई सौरभ भाई कमाल है, जहाँ जाते हैं दोस्ती डाल लेते हैं। भाई हमारी भी कराओ दोस्ती। अभी बस थोड़ा रेस्ट किया, अभी पूल पार्टी के बाद जा रहे हैं क्लब में। सो गाइस पूल पार्टी हो गई थी डन, उसके बाद शाम को अभी प्लान बन गया हमारा थोड़ा घूमने का। ये है लास वेगस की स्ट्रिप, स्ट्रिप मतलब एक रोड है लास वेगस बुलेवार्ड। इसके साइड में सारे बड़े बड़े कैसीनोस, बड़े बड़े होटल बन रखे हैं, और हर कैसीनो होटल में नाइट क्लब ज़रूर होता है। आप किसी में भी जाके फन कर सकते हो, नाइट क्लब में डांस वगैरह कर सकते हो। गैस पूरी ये 2-3 किलोमीटर लंबी स्ट्रिप है, और पूरी स्ट्रिप में जैसे मेरे आप पीछे देख सकते हैं बड़े बड़े होटल बने हुए हैं, रिजॉर्ट बने हुए हैं, इनके अंदर कैसीनोज हैं, नाइट क्लब्स हैं। तो आप चाहे ट्रेन ले सकते हैं, ट्रेन चलती है 2 किलोमीटर लंबी पीछे, अगर आपने एक स्टॉप पे उतरना है दूसरे पे उतरना है, चाहे आप 2-3 किलोमीटर लंबी ये पूरी स्ट्रिप पर चल के भी घूम सकते हो। और जिस भी होटल में करे, कैसीनो में आपका दिल करे, क्लब में जाओ, आपको कोई पाबंदी नहीं है, सिर्फ एंट्री फीस दो और आप अपना एंजॉय कर सकते हो वहाँ पे जाकर। घूमते घूमते आ गए हैं कैसीनो के अंदर, अब आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे कैसीनो कैसे शानदार बने हुए हैं। ये कैसीनो की अंदर की साइड है। तो गाइस लगभग सभी कैसीनो ऐसे ही बने हुए हैं कि आप चाहे बाहर स्ट्रिप पे वॉक कर लो, चाहे आप अंदर कैसीनो के आ जाओ, आपका दिल लगा रहेगा, पता नहीं लगेगा कि 2 किलोमीटर का रास्ता कहाँ ख़त्म हो गया है। शॉपिंग मॉल्स बन रखे हैं अंदर, रेस्टोरेंट्स बन रखे हैं, कहीं भी रुकिए, खाना खाइए, शॉपिंग कीजिए, घूमिए। अगर आप और नहीं कुछ कहीं नहीं भी जाना तो आप पूरा एक दिन यहाँ पर सिर्फ घूम के ही स्पेंड कर सकते हो। Thank you.
सो गाइस अभी टाइम हो गया क्लबिंग का। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग सारिया नू। साड़ी भी मॉर्निंग गुड हो गई सी, रात दे पार्टी करके थक के हुण उठे हाँ। तो हुण कल वांगू फिर पूल चले हैं, होटल वाले जिथे जाके नहावांगे फिर दिन की प्लैनिंग करदा हाँ। आ पिछे मेरे होटल की लॉबी आ, असी रुके हाँ होटल सहारा दे विच, जिन्हें सानू दिता होया 3 दिन सहारा, ताकि असी लै सकीए जिंदगी का नज़ारा। तो हम पूल तो जाने, सेम कल वाला पूल होगा, उत्थे नहा के फिर मैं थोड़ा वीडियो बाकी दिखाना है जो भी दिन च किया। फ्रेंड्स कंपनी को हो गया नुकसान, माइक हो गया गीला पूल के अंदर, पता ही नहीं लगा। बाकी नहीं पता कैसे वीडियो बनेगी, साउंड क्वालिटी कैसी आएगी, पर जैसा भी होगा आपको वीडियो में लाइंस के थ्रू समझाता जाऊंगा कि अभी क्या कर रहा हूं, कैसे कर रहा हूं। वैसे गाइस ये रात का शहर है, यहां पे 70-80% लोग दिन में ही सोते हैं और रात को जागते हैं जब शाम हो जाती है। हम भी सुबह बस पूल में नहा के थोड़ी मस्ती करके आकर सो गए 2-3 घंटे, अब शाम हो गई है, अब मैं भी उठ गया हूँ। अब देखते हैं कोई क्लब वगैरह का प्रोग्राम बनाएंगे, आज हमारा भी लास्ट शाम है। कल सुबह थोड़ा बहुत घूम फिर के रात को हमारी फ्लाइट है, वापस जाएंगे। रात में सारा जगमग जगमग लाइट हो गई है, अभी फुल ऑन मस्ती शुरू करेंगे, लोग सड़कों पे आ जाएंगे जैसे जैसे और रात होगी। आपको फिर दिखाता हूँ यहाँ पे रात के नज़ारे। सारे होटल्स में ऐसे कैसीनोज बने हुए हैं, एक एक जगह ये मशीन्स लगी हुई हैं, तो आप मशीन में अपना नोट डालो और आप गेम्स खेल सकते हो। अगर एक साथ आपके 3 नंबर आए तो आपका लगेगा जैकपॉट 6,000 का, नहीं आए तो आपके $20 भी जाते लगेंगे। तो लोग यहाँ पे बैठ के अपना ड्रिंक वगैरह एंजॉय कर रहे हैं, कैसीनोज वगैरह खेल रहे हैं, हम भी खेलेंगे कैसीनो, देखते हैं आज रात को या कल थोड़ा बहुत जितनी भी हमारे में गुंजाइश होगी। आप अपना बार में बैठ सकते हो, ड्रिंक्स वगैरह ले सकते हो, होटल की लॉबी है ये, इसके ऊपर रूम्स हैं सारे। ये थी फ्री मॉन्ट स्ट्रीट जो अभी आपने देखी, एक तरह का डाउनटाउन है, यहाँ पे आप घूम सकते हो, कैसीनोस खेल सकते हो, लोग अपनी लाइव परफॉर्मेंस दे रहे हैं। मेरे पास अभी माइक नहीं है इसलिए थोड़ा पास होके बोल रहा हूँ कि आपको अच्छी तरह से सुन जाए। हम भी अभी थोड़ा देखते हैं, अपना लक आजमाते हैं कैसीनो वगैरह खेल के, अगर कुछ निकलता है तो $20-30 की बेट लगाएंगे, अगर 2-3 हज़ार बन गया तो चांदी हो जाएगी अपनी। तो सौरभ भाई ने तो टेबल पकड़ लिया है, बोलते आज अपनी जय जयकार करके जाएंगे कैसीनो में।
गुड मॉर्निंग, शब्बा खैर मेरे सारे भाइयों को। सुबह हो गई है, अपना भी अभी चेकआउट का टाइम है। आज आखिरी दिन था, सिर्फ 4 दिन का ट्रिप था अपना, आज आखिरी दिन रह गया। अभी देखते हैं गाड़ी रेंटल करेंगे यहाँ से, और फिर गाड़ी रेंटल करके थोड़ा बहुत घूमेंगे। चेकआउट का टाइम अपना 11 बजे था होटल से। भाइयों मैं सबको रिकमेंड करूँगा, ज़रूर आओ, 3-4 दिन घूम के जाओ, अपनी लाइफ में थोड़ा इन्जॉय करो, ब्रेक मिलेगी आपको। स्पेशली जो मेरे भाई बहन कनाडा में रहते हैं, आप तो ज़रूर आओ, आपका ट्रिप सस्ता होगा, कुछ ज़्यादा पैसे नहीं लगते, पर आपको अच्छी ब्रेक मिल जाती है। तो अभी देखते हैं गाड़ी रेंटल करके कहाँ जाएंगे, थोड़ा ब्रेकफास्ट करेंगे अभी, उसके बाद जहाँ भी गया आपको थोड़ा बहुत वीडियो शूट करके दिखाऊँगा। भाइयों अभी आए थे मॉल में, आप मेरे पीछे देख रहे आउटलेट्स हैं, शॉप्स बनी हुई हैं, आप घूमो अपना, शॉपिंग वगैरह करो, जिस शॉप में भी जाना है आपको। मैंने भी अभी ये चश्मा ख़रीदा है $20 में, और अच्छा लग रहा है वैसे। अब टाइम है पेट पूजा का, क्योंकि पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, और थोड़ी चलने में भी एनर्जी मिलेगी। हाँ सच में चिकन, और भाई को कोई छोटा मोटा ब्रांड पसंद ही नहीं आ रहा, सीधे डॉल्ची गबाना लेने आए हैं। डॉल्ची गबाना DNG, ये टी शर्ट अच्छी है भाई। एक नॉर्मल टी शर्ट का प्राइस भी $524 है। जब अच्छे दिन आएंगे, कमाई थोड़ी मोटी होगी, तब देखेंगे कपड़े। तो गाइस अभी ऑलमोस्ट हमारा टाइम पूरा हो गया है यहाँ पर, अभी 2 घंटे में फ़्लाइट कैच करनी है एयरपोर्ट जाकर। अभी कसिनो में $50 हार के हटाऊँ, बस अभी थोड़ा रिलैक्स कर रहा हूँ। लॉन्च है यहाँ पर कसिनो के बीच में, पूरा कसिनो है यहाँ पीछे। वैसे मेरे को उम्मीद थी ब्लॉग थोड़ा बढ़िया बनाऊंगा, थोड़ा ज़्यादा आपके लिए कंटेंट उसमें होगा, थोड़ा ज़्यादा बताऊंगा, पर इतना बढ़िया बन नहीं पाया मुझसे, क्योंकि इतना टाइम नहीं मिला बोलने का। उम्मीद करता हूँ आप पसंद करोगे, अगर पसंद आया तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करना, मैंने आगे और भी ब्लॉग बनाऊँगा।